हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एसबी सिंह और स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से चैनल शिवा साइंस क्लासेज में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास ट्वेल्थ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें आपको आज करना है कि क्या होता है जब, और ये पेपर में आपके 100% पूछे जाते हैं, लेकिन ये कन्फर्म नहीं होता है कि कौन से आएंगे। तो कुछ इम्पॉर्टेंट हैं जो कई वर्षों से पूछे गए हैं, तो उनको हम लेके आए हैं। जो विगत वर्षों में आप मॉडल पेपर उठा के देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये रिएक्शन मिलेगी, तो आज उसमें से कुछ रिएक्शन हम करेंगे और इसी तरह से और वीडियो भी बनाएंगे जिसमें आपके क्या होता है जब या कैसे प्राप्त करोगे, इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि इसके पहले हमने वीडियो डाली थी, जिन लोगों ने नहीं देखा है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उसे देख लो, जिससे कि आपको आज का टॉपिक जो है वो समझ में आए, क्योंकि उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले लिखवाए थे जिससे आपको क्या होता है जब रिएक्शंस करने में परेशानी नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं, पहला क्या लिखा हुआ है दोस्तों, एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं, हीट करते हैं। अब आपको जब फार्मूले याद होंगे तो आपको पता हो जाएगा कि एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला क्या होता है। तो एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला होता है C2H5Br प्लस, दोस्तों क्या है, एल्कोहलिक KOH के साथ करना है, तो KOH के साथ रिएक्शन कर देंगे, क्या करना है, गर्म करना है, ये हीट का सिंबल बना देंगे। तो C2H5 एथिल ब्रोमाइड हो गया दोस्तों, और KOH के साथ गर्म कर दिया हमने, तो देखो बनेगा क्या। तो जब भी दोस्तों इसे याद रखना, जब भी एथिल ब्रोमाइड एल्कोहलिक KOH के साथ किसी एल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड बनाएगा C2H4। अब देखो दोस्तों, यहां पर C2H4 हो गया, एक हाइड्रोजन कम हो गया, तो जब एक हाइड्रोजन निकलेगा तो इसके साथ एक हाइड्रोजन मिलके क्या बना लेगा, जल बना लेगा। लास्ट में बनाएंगे क्या बचा है, KBr बचा है, पोटेशियम ब्रोमाइड बोलते हैं, और उसके साथ जल, लास्ट में जल निकल गया, तो इसे क्या बोलेंगे, एथीन बोलेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड है ना, जस्ट डबल बॉन्ड होता है। तो ये हो गया एथीन। तो समझ में बात आई, इस तरह से बहुत ही सरल है। जब आपको फार्मूला याद होगा दोस्तों तो आसानी से आप कर ले जाओगे, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अगर ये नाम नहीं लिखते हो तब भी आपको चल जाएगा, ये जरूरी नहीं है, उसमें लिखा रहता है केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, आपको सिर्फ ये रिएक्शन लिखनी रहती है, उसके नाम लिखने से आपको नाम पता है नहीं पता कोई मायने नहीं रखता है। चलिए अगला देखते हैं, क्लोरोफार्म को एसीटोन के साथ क्षार की उपस्थिति में गर्म करते हैं। अब देखो ये तभी पॉसिबल है जब आपको एसीटोन का फार्मूला पता होगा दोस्तों, क्लोरोफार्म का फार्मूला पता होगा तभी पॉसिबल है। तो चलिए देखते हैं, एसीटोन का जो फार्मूला होता है दोस्तों वो होता है C(OCH3)CH3, ये फार्मूला है एसीटोन का। क्लोरोफार्म के साथ कराना है CHCl3। क्षार की उपस्थिति में कोई भी क्षार ले लो, NaOH ले लेते हैं, चलो NaOH ले लिया हमने। अब देखो यहां पर ये बॉन्ड टूट जाएगा दोस्तों और ये जुड़ जाएगा, देखो कार्बन हो गया, देखो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पर ये सेम रहेगा दोस्तों CH3, और उसके बाद ये बॉन्ड टूट जाएगा CCl3, और यहां पर OH, ये वाला हाइड्रोजन जो है निकल के CCl3 बना लेगा दोस्तों, और ये वाला H इसके साथ मिलके OH बना लेगा, ठीक। तो इस तरह से ये आपका हो गया, क्लोरोफार्म को एसीटोन के साथ क्षार की उपस्थिति में गर्म कर दिया, तो ये आपका, इसे बोलते हैं क्लोरीटोन, क्या बोलते हैं दोस्तों, क्लोरीटोन। नाम नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, लेकिन आप जानकारी के लिए लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, एथिल क्लोराइड की क्रिया जलीय NaOH के साथ करते हैं, तो चलिए एथिल क्लोराइड, एथिल का फार्मूला आपको पता है C2H5, और क्लोराइड का Cl लिख देंगे दोस्तों, जलीय NaOH के साथ करा देना, ये तो और सरल है। ये वाला Na इसके साथ जुड़ जाएगा, OH इधर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, एथिल एल्कोहल बन जाएगा, और उसके बाद क्या बनेगा आपका, सोडियम क्लोराइड NaCl। बहुत ही आसान रिएक्शन थी, सोडियम क्लोराइड की क्रिया जलीय NaOH के साथ गर्म के साथ होती है, तो एथिल क्लोराइड हो गया दोस्तों। फार्मूला याद होना जरूरी है, नहीं तो फिर भैया नहीं हो पाएगा, साफ बात है। एथिल क्लोराइड की क्रिया जलीय NaOH के साथ करते हैं,
एथिल क्लोराइड का फार्मूला पता होना चाहिए। जलीय NaOH खुद लिखा है, ये लिख दिया हमने, अब बस इसमें से OH निकल के एथिल अल्कोहल बना दिया और CLNA के साथ सोडियम क्लोराइड बन गया। चलो अब क्या करा, मीथेन क्लोरीन से अब क्रिया करता है, मीथेन CH4 क्लोरीन Cl2 से रिएक्शन करेगा, तो दोस्तों देखो क्या बनाएगा, एथिल क्लोराइड बनाएगा CH3Cl। यहां से एक हाइड्रोजन यहां से हट जाएगा, मतलब CH3 बच जाएगा, एक Cl ले लेगा और दूसरा HCl हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा दोस्तों। इस तरह से इसे क्या बोलेंगे, मेथिल क्लोराइड, क्या बोलेंगे, मेथिल क्लोराइड। चलो अब क्या कह रहा, H2 मतलब N2 नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा तो देखो N2 प्लस H2 रिएक्शन इसमें दोनों तरफ की होंगी। देखो अब ये क्या बनाएगा भैया, अमोनिया बनेगा, क्या बनेगा दोस्तों, अब देखो ये बैलेंस नहीं है, यहां पर 2 है यहां पर 2 है, तो N2 है तो यहां पर 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या, हाइड्रोजन हो गया 6, यहां पर 2 है यहां 3 रख दो, बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आपका अमोनिया बन के तैयार हो गया। अभी आप इसमें आपने पढ़ा भी होगा ये क्वेश्चन कहां से आया है, हैबर विधि से अमोनिया बनाना, ठीक, वहां से ये आया है रिएक्शन कि N2 H2 से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, है ना। तो इस तरह से ये 5 थे दोस्तों, इसी तरह आप प्रैक्टिस करिए, जब तक आप प्रैक्टिस खुद से नहीं करेंगे, ठीक है ना, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको नहीं आएगा दोस्तों। और फार्मूले आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद होने चाहिए तभी आप अच्छे से कर सकते हो, और ये 100% पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। आप कोई भी मॉडल पेपर उठा के देखिए, आप कर सकते हो, ये नहीं, देखो आपको निगेटिव नहीं सोचना है। हम कई बार बच्चों से बोला करते हैं कि तुम्हारी शख्सियत से सबक लेंगी नई नस्लें, मंजिल पर वही पहुंचा है जो अपने पांव चलता है, मिटा देता है कोई नाम तक के खानदानों का, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलते हैं, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलते हैं। दोस्तों आप कर सकते हो, पॉजिटिव सोच रखो और मन लगा के पढ़ाई करना शुरू कर दो, क्योंकि पेपर आपके बहुत ही नज़दीक है। और इसी तरह के हम वीडियो लाते रहेंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास वीडियो जो है वो सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं इसी तरह की मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।